खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मगर चूंकि इनके वालिद साहब ने फिल्मों पर राज किया है एक ज़माने में, और बहुत सारे गीत होंगे जो मेहदी साहब के इनके वालिद साहब पे पिक्चराइज हुए थे। गालिब ये बताएं, कभी बात तो होती होगी घर में ना कमाल साहब से कि मेहदी साहब का गाना उन पे जब पिक्चराइज होता है, देखें चलते फिरते गाने को पिक्चराइज करना और एक ज़रा सीरियस नेचर की या गज़ल नुमा गाने को पिक्चराइज करने में बड़ा फ़र्क है, तो कभी बात हुई है मेहदी साहब के हवाले से? या सबसे पहले मैं बज़ में मेहदी हसन को बहुत बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि यहाँ पर आने का मौका मिला, और हुमैरा जी मौजूद हैं, सलमान अलवी साहब मौजूद हैं, हमारे लिए इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग, और साथ में हमारे जितने भी ऑडियंस हैं इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए एक सुतून से कम नहीं है, जिनसे हमें गाइडेंस मिली। अब्बा के दिल में था कि तुमने फनकार ही बनना है, तुमने कभी नौकरी नहीं करनी, तुम्हारे बाप ने कभी नौकरी नहीं की, एक अटैची केस लेके तुम्हारा बाप आया था, और तुमने भी यही करना है चाहे कुछ कहो। गालिब नाम उन्होंने मेरा इसलिए रखा कि उन्होंने कहा गालिब ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, भले उधार लिया था लेकिन जिंदगी जो है वो खुददारी के साथ गुजारी थी। आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरे वाले साहब पे ज़्यादा जो गीत फिल्माए गए वो अहमद रुशदी साहब के हैं जी। लेकिन जो गीत मेहदी हसन साहब के अब्बा पे फिल्माए गए, जिसमें एक गीत था हमें कोई गम नहीं था गमे आशिकी से पहले, और इसके अलावा एक जो उनका सबसे पसंदीदा गीत था जो यहाँ से वहाँ तक सबसे महंगी तरीन फिल्म उन्होंने बनाई थी, कम से कम कोई 25 लोगों को लेकर वो गए थे कनाडा अमेरिका, मैं सोचता हूँ कि कल किस कदर हंसी होगी। तो वो गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेहदी हसन साहब के फ़ोन आया करते थे हमारे घर, तो मुझे आज भी याद है हम लाहौर में रहा करते थे, तो जब फ़ोन आता था अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब हैं, तो मैं कहता था जी आप कौन, मैं मेहदी हसन बात कर रहा हूँ, तो बहुत मुझे अच्छा लगता था क्योंकि उस वक्त एक तरह से एक आइकॉनिक आवाज सुन। ये बताएं जी गाने का शौक है, कुछ गुनगुना लेते हैं? गाने का शौक अब मैं ये बताऊं, पिछले 15-16 साल से मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन मेरे शोज हो रहे हैं। अरे जी जब हम मेहदी हसन साहब का नाम भी जब अपनी जबान से लेते हैं तो उनके लिए हमेशा दिल से दुआएं निकलती हैं, बेशक उनका नाम लेने से पहले भी दिल से दुआएं निकलती हैं, तो आइए कुछ अल्फाज उनके मैं पेश करता हूं। कुछ भी नहीं आता मुझे म्यूजिक में, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने नहीं सीखा, सिर्फ यही दोस्त हैं, ये जो यहाँ पर सारे पिलर्स बैठे हैं म्यूजिशियंस, इनसे थोड़ा थोड़ा लेकर थोड़ा बहुत आना लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसकी वजह से कहीं पर हाथ फैलाने नहीं पड़े, नौकरी नहीं करनी पड़ी, और अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आपको अल्लाह और इज्जत दे, और आपको म्यूजिक में भी और ड्रामे में भी दोनों में उतनी ही शोहरत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, और ज्यादा शोहरत है। चलिए प्यार भरे दो शर्मीरे जिनसे मिला मेरे दिल को चे
को ठुकराऊं, तेरा दिल बहलाऊं, जिनसे मिला मेरे दिल को Thank you very much.